और अब्बास सोनाली फोगाट मर्डर केस की जिसकी जांच और तेज हो गई है। गोवा पुलिस की टीम दिल्ली पहुंच गई है। गोवा पुलिस की टीम आज हरियाणा जाएगी जांच के लिए। गोवा पुलिस की टीम गुरुग्राम जाएगी। गुरुग्राम में सोनाली के फ्लैट की तलाशी ली जाएगी। हिसार के फार्म हाउस की जांच भी करेगी गोवा पुलिस। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मोहित, अब जो जांच हो रही है जिसका दायरा देखिए गुड़गांव और हिसार तक आ गया है, इसमें पुलिस को किस तरह के तथ्यों की तलाश है? देखिए, गोवा पुलिस परिवार के लोगों से मिलना चाहती है। सोनाली फोगाट की जो बेटी है यशोधरा, उनसे मुलाकात करना चाहती है और जानना चाहती है कि जो आखिरी वक्त था जब सोनाली फोगाट गोवा के लिए रवाना हुई हिसार से, तब क्या बातचीत हुई परिवार के साथ, क्या कुछ बातें वहां पर हुई, और साथ ही एक बड़ा जो बात जांच में निकल कर सामने आई है। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पाल कर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। जो गोवा पुलिस ने कहा है, जो परिवार भी आरोप लगा रहा है कि जो करीब 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी है सोनाली फोगाट की, उसको हथियाने की ये साजिश हो सकती है, उस एंगल से भी तफ्तीश की जाएगी। मैं इस वक्त हिसार के सदर थाने में मौजूद हूं और बताया जा रहा है कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच यहां पर गोवा पुलिस की टीम पहुंचेगी और यहां से लोकल पुलिस को अपने साथ लेकर सोनाली फोगाट के फार्म हाउस जाएगी, जहाँ पर उनका पूरा परिवार मौजूद है और परिवार की ओर से तमाम तथ्य रखे जाएंगे और जो गोवा पुलिस की अपनी कार्रवाई है उसमें भी उनके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसके बाद गोवा पुलिस रोहतक जा सकती है, जहां पर आरोपी पीए सुधीर सांगवान का घर है, और रोहतक के बाद गुरुग्राम भी गोवा पुलिस जाएगी, ऐसी जानकारी अब तक निकल कर सामने आ रही है। लेकिन अभी तक यहां पर पुलिस की टीम पहुंची नहीं है और स्थानीय पुलिस ये कह रही है कि सुबह 10 से 11 बजे के बीच यहां पर गोवा पुलिस की टीम आ सकती है। हालांकि जिस तरीके से मामले में इन्वेस्टिगेशन के बाद लगातार मोहित खुलासे हो रहे हैं, कई बड़े सवाल हैं, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि एक अहम सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सोनाली फोगाट के मर्डर की मिस्ट्री सुलझने की बजाय अब और गहराती जा रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अब साजिश के सबूत मिटाने की भी बात कही जा रही है। खबर यह है कि हिसार के फार्म हाउस से सीसीटीवी के एक डीवीआर गायब बताई जा रही है। 10 से 15 सीसीटीवी कैमरास का ये डीवीआर गायब है। अकाउंटेंट शिवम पर डीवीआर गायब करने के आरोप लग रहे हैं। इस बीच पुलिस अकाउंटेंट शिवम की तलाश में भी जुटी है। अब गायब डीवीआर में अहम वीडियोस होने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। मोहित हमारे संवाददाता क्योंकि हिसार में मौजूद हैं, मोहित, सबूत मिटाने की ये कोशिश, दूसरी तरफ परिवार का ये कहना कि ये सब कुछ प्लान था, कई साजिश की तरफ परिवार भी खुलासा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ गोवा में की गई इन्वेस्टिगेशन की बकायदा एक रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, किस तरीके से इन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है? देखिए, जो परिवार का सीधे तौर पे आरोप है, परिवार ये कह रहा है कि सोनाली फोगाट का जो फार्म हाउस है वहाँ से एक डीवीआर, एक लैपटॉप और ऑफिस इस्तेमाल के लिए जो फ़ोन था वो गायब है और कुछ दस्तावेज जो कि प्रॉपर्टी से जुड़े हो सकते हैं वो भी गायब होने की बात की जा रही है। साथ ही सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा और परिवार ये कह रहा है कि सोनाली फोगाट उनको कहकर गई थी कि वो एक हफ्ते के लिए किसी शूटिंग के लिए गोवा जा रही हैं, लेकिन जब गोवा पुलिस की ओर से उनको जो जानकारी मिली है उसमें बताया गया है कि सिर्फ 2 दिन के लिए ही वो रिजॉर्ट बुक किया गया था जहां पर सोनाली फोगाट रुकी थी। ऐसे में परिवार कह रहा है कि ये पूरी साजिश हो सकती है, सोची समझी प्लानिंग के तहत ही सोनाली फोगाट को ले जाया गया गोवा और वहां पर उनकी हत्या की साजिश रची गई और इस हत्या को नेचुरल डेथ दिखाने का प्रयास किया गया और यही गोवा पुलिस की जांच का भी विषय है और गोवा पुलिस इसी वजह से परिवार के बयान लेने के लिए यहां पर आ रही है। और साथ ही हरियाणा पुलिस अलग से जो डीवीआर, लैपटॉप और मोबाइल फोन के साथ दस्तावेज जो चोरी होने की एफआईआर दर्ज की गई है उसकी अलग से जांच हरियाणा पुलिस भी कर रही है। चलिए, मामले की जांच पर नजर बनाए रखें मोहित, आगे आपसे अपडेट लेंगे, शुक्रिया। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, हजार सुअरों को पाल कर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।